माई नेम इज कौशिक एंड टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वर्क पिगमेलियन एंड जो पिग्मेलियन है वो लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्सो के द्वारा पिगमेलियन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके बारे में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे समरी और एनालिसिस और थीम्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज बनार शो के बारे में जॉर्ज बनार्स शो कौन थे ये एक आयरिश प्लेट थे क्रिटिक थे पॉल थे और पोलिटिकल एक्टिविस्ट थे ही वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी सिक्स जुलाई फिफ्टीन एट फिफ्टी सिक्स एटीन फिफ्टी सिक्स पोटोबेलो डब्लिन आयलैंड में उनका जन्म हुआ था अब उनके स्पाउस की बात करें तो चॉलेट पाए टाउन शेड जो जिनकी मृत्यु हुई थी 1943 में ही ऑल्सो गॉट नोबल प्राइज इन लिटरेचर एंड ही डाइड ऑन अक्टूबर 1950 इन यूनाइटेड किंगडम नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ पिगमेलियन विच गॉट पब्लिश इन 1913 पिगमेलियन जो था वो 1913 में पब्लिश हुआ था द टाइटल Pygmalion refers टू अ ग्रीक कैरेक्टर इन ओविड्स पोएम मेटामोफोसिस जो Pygmalion है Pygmalion है ये आपका एक ग्रीक कैरेक्टर है जो कि लिया गया है ओविड्स पोएम मेटामोरफोसिस से जो कि मेटामॉर्फसिस यहाँ पर important है ये वर्क ओविड का है और इसने जो मॉडर्न राइटर्स हैं काफ़ी सारे मॉडर्न राइटर्स को काफ़ी उन्हें मोटिवेट किया चीज़ों को करने के लिए लिखने के लिए तो यहाँ पर जो कहानी है मेटामॉर्फोसिस में जो कहानी है वो है कि एक वुमेन को उसका एक स्कल्पचर बनाया जाता है एक स्टैचू बनाया जाता है लेकिन वो इतनी परफेक्ट होती है इतनी खूबसूरत होती है कि जो मेटामॉर्फोसिस में है वो क्या करता है उसी से लव करने लग जाता है प्रेम करने लग जाता है और उसको जो लाइफ में लाया जाता है उसे जो जीवन दिया जाता है वो किसके द्वारा जिया जाता है गॉडेस वीनस के द्वारा अब बात करते हैं इसमें कैरेक्टर्स की तो सबसे पहले बात करेंगे हैंनरी हिगिंस की जो हैंनरी हिगिंस हैं वो हैं एक प्रोफेसर वो पढ़ाते हैं फोनेटिक्स फोनेटिक्स क्या होता है साइंस ऑफ साउंड हु प्लेस पिगमेलियन टू एलिजाज डू लिटल्स गैलेटिया एलिजा डूलिटिल अब एलिजा डूलिटिल कौन है जिसे शॉर्ट में एलिजा कहा जाता है शी इज़ नॉट एट ऑल अ रोमांटिक फिगर एक रोमांटिक फिगर नहीं है सो इज शी इंट्रोड्यूस्ड इन एक्ट फर्स्ट उसे एक्ट फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है कर्नल पिकरिंग कर्नल पिकरिंग कौन है कर्नल पिकरिंग है ऑसर ऑफ स्पोकन संस्कृत वो स्पोकन संस्कृत का ऑसर है इज अ मैच फॉर हिगन्स और हिगन्स के बराबर का है

पूछे जाते हैं यूजुअली अब बात करते हैं मिसेस हिगन्स के बारे में मिसेस हिगन्स है प्रोफेसर हिगन्स की मदर मिसेस हिगन्स इज स्टेटली लेडी इन हर सिक्सटीज वो अभी सिक्सटीज़ में है सीज द एलिजा डू लिटिल एक्सपेरिमेंट एज इडियोसी अभी हम बात करेंगे कि जो एलिजा डू लिटिल है उस पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है बाद में इस पर हम बात करने वाले हैं इसी स्टोरी में और वो मानती है जो मिसेस हिगिन्स है वो मानती है कि जो Higgins है एंड पिकरिंग है दोनों के दोनों सेंसलेस चिल्ड्रन हैं। हिल हिल है जो सरमाइज दैट फ्रेडी इज अ फूल इज प्रोबेबली एक्यूरेट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस समरी टू ओल्ड जेंटलमैन मीट इन द रेन वन नाइट एट कोविंट गार्डन यहां पर दो चीजें हैं कि एक तो है कि कोविट गार्डन में मिलते हैं तो ये पूछा जाता है यूजुअली कि कहाँ पर वो दो जेंटलमैन मिलते हैं दूसरा ये पूछा जाता है कि वो दो जेंटलमैन के नाम कौन कौन थे तो वो एक था प्रोफेसर हिगन्स जो कि साइंटिस्ट है फोनेटिक्स का जो फोनेटिक्स का साइंटिस्ट फोनेटिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ साउंडस एंड कर्नल पिकरिंग एज आ लिंग्विस्ट ऑफ इंडियन डायलेक्ट्स तो जो कर्नल पिकरिंग है वो साइंटिस्ट है किस चीज़ का वो लिंग्विस्ट है लिंग्विस्ट मीन्स होता है साइंटिस्ट ऑफ अर लैंग्वेज जो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं उन्हें लिंग्विस्ट कहा जाता है तो इंडियन डायलेक्ट पर स्टडी कर रहा था पर्टिकुलरली वहां पर मेंशन है कि संस्कृत में वह स्टडी कर रहा था द फर्स्ट बेट्स द अदर दैट ही कैन अब यहाँ पे क्या होता है उनके बीच में एक बेट लगती है एक शर्त लगती है विद हिज नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स कन्विंस हाई लंडन सोसाइटी दैट इन मैटर ऑफ मंथ ही विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द कॉकनी स्पीकिंग गार्डन फ्लावर गर्ल जो कावेंट गार्डन में वो गए थे वहाँ पर एक फ्लावर गर्ल थी जो कि फूल बेचती है उसका नाम है एलिजा डू लिटिल वो कहता है कि एलिजा डू लिटिल जो है वो उसको जो कॉकनी स्पीकिंग कॉकनी मीन्स होता है बड़ा ही कर्कश बोलने वाला तो कॉकनी स्पीकिंग जो गर्ल थी फ्लावर गर्ल थी एलिजा डू लिटिल उसे वो किस में टर्न कर देगा बहुत उसको चेंज कर देगा इन टू एज पॉइसड एंड वेल स्पोकन अ डचेस डचेस एक की तरह वो उसको चेंज कर देगा ये उनकी एक दूसरे के साथ में बैट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग द गर्ल अपीयर्स एट दी लेबोरेटरी अब जो दूसरा दिन होता है उसमें जो गर्ल है वो लेबोरेटरी में आती है जो कहाँ पर है विम्पोल स्ट्रीट आस्क फॉर स्पीच लेसन अब वो स्पीच लेसन के लिए वहां पर आई हुई है ऑफरिंग टू पे अलिंग वो ऑफर भी करती है एक शिलिंग पे करने के लिए सो दैट शी मे स्पीक प्रॉपरली इनफ टू वर्क इन अ फ्लावर शॉप अब उसका जो मेन uh, एक मोटिवेशन है स्पीकिंग सीखने का वो चाहती है कि वो फ्लावर शॉप में काम कर पाए हिगन्स मेक्स मर्सिलस फन ऑफर जो हिगन्स है वो उसका फन करता है उस पर मजाक बनाता है बट इट्स ड्यूस्ड बाई द आइडिया ऑफ वर्किंग इज मैजिक ऑन हर लेकिन वो इस बात से कन्विंस हो जाता है कि वो जितना जानता है वो इसके ऊपर ट्रायल कर सकता है पिकरिंग गोड्स हिम ऑन बाई एग्रींग टू कवर द कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इफ़ हिगन्स कैन पास एलिजा ऑफ एज अ डचिस एट एंड एम्बेस्टर्स गार्डन पार्टी अब वहाँ पर उनकी एक शर्त लगती है कि जो एम्बेस्टर्स की गार्डन पार्टी है उसमें अगर एलिजा बिल्कुल ऐसा बिहेव कर लेती है ऐजा डचेस बिहेव कर लेती है बहुत अच्छे से वहाँ पर स्पीकिंग कर लेती है बहुत अच्छे से बिहेव कर सकती है तो जो पिकरिंग है वो कहता है कि मैं जितनी भी कॉस्ट है इस एक्सपेरिमेंट की वो मैल कर लूँगा मीन्स मैं पे कर लूँगा द चैलेंज इज़ टेकन अब चैलेंज उन्होंने ले लिया है एंड ही गिनस स्टार्ट्स बाय हैविंग हिज हाउस कीपर बे एलिजा एंड गिव्स हर न्यू क्लॉथ्स अब उसे सबसे पहले नहलाया जाता है और फिर उसको नए कपड़े दे दिए जाते हैं यहाँ से उनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू होती है देन एलिजाज़ फादर अल्फ्रेड डू लिटिल कम्स टू डिमांड द रिटर्न ऑफ डाटा डॉटर लेकिन तभी क्या होता है कि जो एलिजा का जो फादर है अल्फ्रेड डू लिटिल जो एलिजाज फादर ही केम दिया वो वहाँ पे आता है और कहता है कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए दो हिज रियल इंटेंशन इज़ टू हिट हिगेंस अब फॉर सम मनी अब उसका जो मोटिव uh, है जो उसका इंटेंशन है वो ये है कि वो हिगेंस से कुछ पैसे ले पाए द प्रोफेसर अम्यूज्ड बाय डू लिटिल्स अनयूज रेटोरिक गिव्स हिम फाइव पाउंड और जो प्रोफेसर है वो उसको फाइव पाउंड दे देता है ऑन हिज वे आउट दी डस्टमैन फेल्स टू रिकोगनाइज दी नाव क्लीन एंड पिटी फ्लावर गर्ल एज हिस्टाटर लेकिन जब वो रास्ते में वापस आ रहा होता है तो वो अपनी ही बेटी को नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने उसे थोड़ा चेंज कर दिया होता है फॉर अ नंबर ऑफ मंथ्स हीगेंस ट्रेंड्स एलिजा टू स्पीक प्रॉपरली काफ़ी महीनों के लिए हेगेंस ट्रेंड करता है एलिजाबैथ को अच्छे से बोलने के लिए टू ट्रायल्स फॉर एलिजा फॉलो और दो ट्रायल भी उसके लिए जाते हैं दि फर्स्ट अगर्स एट हिगन्स मदर्स होम जो हिगन्स की मदर है फर्स्ट ट्रायल वहीं पर होता है वेर एलिजा इज इंट्रोड्यूस टू आइंसफोर्ड हिल्स अ ट्रायल ऑफ मदर डॉटर एंड सन वहाँ पर उसे काफ़ी लोगों से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पहला ट्रायल हुआ था वो हुआ था हिगन्स की खुद की मदर के होम पर वहाँ पर उसे तीन लोगों से मिलाया जाता है दिस सन फ्रेडी इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू हर और जो सन फ्रेडी है वो उससे काफ़ी अट्रैक्ट होता है and further taken विद what ही थिंक्स as अफेक्टेड स्मॉल टॉक talk शी स्लिप्स slips into कॉकनी और जब वो थोड़ा सा थोड़ी सी बात करती है तो फिर से अपनी उसी लैंग्वेज को कॉकनी लैंग्वेज को यूज कर देती है मिसेज हिगन्स वरीज दैट द एक्सपेरिमेंट विल लीड टू प्रॉब्लम्स वंस इट इट इज एंडेड बट हिगन्स एंड पिकरिंग आर टू एब्जॉल्व इन दियर गेम टू टेक हीड अब क्या होता है मिसिज हिगन्स थोड़ा उन उन पर विश्वास नहीं करती है कि ऐसा हो पाएगा लेकिन जो हिगेंस और पिकरिंग है दोनों के दोनों बहुत एब्जॉर्ब रहते हैं इस काम को करने के लिए और वो इसे पूरा करना चाहते हैं अ सेकेंड ट्रायल अब वो जो सेकेंड ट्रायल होता है वो कहाँ पर होता है विच टेक्स प्लेस सम मंथ्स लेटर एट एन एम्बेसडर्स पार्टी जो एम्बेसडर्स पार्टी जो उनकी एक्चुअल जो बैट थी जो शर्त लगी थी वो एम्बेसडर्स पार्टी के लिए थी एंड विच इज़ नॉट एक्चुअली स्ट्रेस्ड इज़ आर रेसाउंडिंग सक्सेस और यहाँ पर उन्हें काफ़ी सक्सेस मिलती है दैगर इज़ डेफिनेटली वॉन बट हिगन्स एंड पिकरिंग आर नाउ बोर्ड विद द प्रोजेक्ट विच कॉजिज एलिजा टू बी हर्ट और दोनों के दोनों जब बोर हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट से इसमें एलिजा को काफ़ी हर्ट होता है क्योंकि वो सीख रही होती है शी थ्रोज हिगिनस स्लीपर्स एट हिम इन आ गुस्सा होकर क्या करती है कि के एक स्लीपर फेंकती है। है। अब उन्हें भी खुद पता नहीं होता कि वो क्या बन रही सजेस्ट करता है कि तुम्हें किसी से किसी को किसी से शादी कर लेनी चाहिए शी रिटर्न हिम दायर्ड ज्वेलरी एंड हीस हर ऑफ इनग्रेटिट्यूड जब वो ज्वेलरी जो एलिजा uh, के लिए ली हुई होती है है। है वो उसे वापस कर देती अब क्या होता है? Higgins अपनी मदर के पास जाता है क्योंकि एलिजा वहां से भाग चुकी होती है ऑन टेल इज एलिजाज फादर नाउ अनहेपली रिच फ्रॉम ट्रस्ट ऑफ डिस मिलेनिया हार्ट हिगन्स रिकमेंडेशन दैट डू लिटल वॉज इंग्लैंड मोस्ट ओरिजनल मॉरलिस्ट अब यहाँ पर क्या होता है कि एलिजा बैथ का जो फादर है वो काफ़ी रिच हो चुका है मिसिस हिगन्स हुज़ बीन हाइडिंग एलिजा अपस्टेयर्स ऑल अलोंग चाइल्ड्स द टू ऑफ दैम फॉर प्लेइंग विद द गर्ल्स अफ एक्शंस अब वो जो मिसिस हिगन्स है उसने एलिजा को अपने यहाँ छुपाया है और दोनों को वो बहुत डांटती है

हेल्प बट स्टार्ट टू एडमायर हर अब जो हिगन्स है वो खुद उसको एडमायर करने करना शुरू कर देता है एलिजा को एस एलिजा लीव्स फॉर हर फादर्स वेडिंग हिगन्स शाउट्स आउट फ्यू एरेंट्स फॉर हर टू रन अज्यूमिंग दैटन टू हिम इन विम्पोल स्ट्रीट अब वो सोचता है कि जो विम्पोल स्ट्रीट है वहां पर एलिजा उसके पास खुद आ जाएगी Eliza who has a lovelorn sweetheart in Freddy and the wherewithal to pass as a duchess never makes it clear whether she will or not now Freddy hai, uh, uske mein Eliza, uh, uh, she loves him and she wants to marry him but it is not clear there now let's talk about the themes uh, language is a class barrier so इट इज़ ऑलवेज़ हम हर जगह देख सकते हैं ये चीज़ कि जो लैंग्वेज होती है वो हर क्लास का एक बैरियर के रूप में भी काम करती है बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट लोअर क्लासेज यूजअली दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड हाई क्लासेज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज हमेशा जो क्लास बैरियर का काम कौन करती है एक लैंग्वेज करती है ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम है कि कैसे चेंज होती है और फेम्यूनिटी के बारे में इस वर्क में बात होती है लैंग्वेज एज अ क्लास बैरियर की बात करें तो शॉ लैम्स इन दिफेक्ट दिफेक्ट दैट द इंग्लिश डू नॉट सफिशेंटली वैल्यू द पावर ऑफ देयर लैंग्वेज अब यहाँ पर क्या है कि जो शॉ है वो ये बात करना चाहता है कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश है लैंग्वेज है डू नॉट सफिशंटली वैल्यू द पावर ऑफ देयर लैंग्वेज वो पूरी जो पावर ऑफ़ uh, उनकी लैंग्वेज है उसको वैल्यू नहीं करती

हमारे जो शब्द हैं जो शेक्सपियर और मिल्टन और बाइबल से हमें मिलते हैं एज अ इंग्लिश नेटिव स्पीकर राइट वो वहाँ पर नेटिव स्पीकर की बात कर रहे हैं इंग्लिश uh, हमारी एज इंडियन वी डू नॉट हैव नेटिव टंग बट फॉर ब्रिटिशर्स दैट इज नेटिव टंग सो जो कैरेक्टर ऑफ हिगन्स है उसके थ्रू ये बताया जाता है कि जो आर्टिकुलेट स्पीच है एक तो वो डिवाइन गिफ्ट है और दूसरा जो शेक्सपियर मिल्टन और बाइबल है उनसे जो वर्ड्स निकल निकलते हैं वही उनकी बेस नेटिव टंग बनाते हैं उनके नेटिव टंग बनती है उससे लैंग्वेज बनती है द डिफाइनिंग नेचर ऑफ लैंग्वेज इज इलिस्ट्रेटेड वैन हिगिन एक्यूरेटली पिन पॉइंट द जियोग्रेफिक ओरिजिन ऑफ वेरियस पीपल अमंग दो शेल्टरिंग फ्रॉम द रेन यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो जियोग्रेफिक ओरिजिन है ओके लेट मी डू इट और इट्स जियोग्रेफिक ओरिजिन है डिफरेंट जियोग्रेफिक ऑरिजिन से लोग हैं वेरियस पीपल अमंग दो शेल्ट्रिंग फ्रॉम द रेन जो वहाँ पर होते हैं वो सभी उसको इलस्ट्रेट किया जाता है कि जो द डिफाइनिंग नेचर ऑफ लैंग्वेज उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है दे ही देन डिक्लेयर्स दैट द फ्लावर गर्ल एलिजाज कब स्टोन इंग्लिश विल की फ इन दी गट वह ये भी डिक्लेयर होता है कि जो फ्लावर गर्ल एलिजा है वो अगर उसी इंग्लिश को बोलती रहेगी मीन्स जो उसकी बुरो इंग्लिश थी उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू राइट की फा इन दी गट उसे उसी सिचुएशन में रखेगी अगर वो अपनी जो लैंग्वेज है उसे इम्प्रूव कर लेगी तो तो वो ऊपर आ जाएगी उस पोजिशन से येट बाई टीचिंग हेटर इंग्लिश ही कुड पास हर ऑफ एज अ ड और उसे जब वो इंग्लिश सिखा देता है तो वो उसको एज अ ड पास कर देता है मीन्स उसे भी उसी कैटेगरी में रख लेता है एज अ डिज बोस्ट सर्व्स एज अ कैटलिस्ट फॉर ऑल द फॉलोर्स इन द प्ले एज शो अटेम्प्टू शो दैट सोशल प्लेसमेंट इज नॉट इन एट एंड हैंड इन हैंड विद लैंग्वेज मे बी एक्वायड तो यहाँ पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है कि जो सोशल प्लेसमेंट है वो कोई इनेट क्वालिटी नहीं है मींस बाय बर्थ हमें सोशल प्लेसमेंट नहीं मिलती जो कि हैंड इन हैंड विद लैंग्वेज अगर जैसी हमारी लैंग्वेज होती है वैसे हमें सोशल एक कैटेगरी मिल जाती है देर इज डेंजर इन द एक्सपेरिमेंट टू टीच एलिजा टू स्पीक वेल और वहाँ पर क्या था कि एक डेंजर भी था कि एलिजा को अगर अच्छा बोलना सिखा दिया जाता है तो उसमें कुछ डेंजर भी था uh, As एज पॉइंटेड आउट Mrs. Higgins हिगन्स इन एट थर्ड एट थर्ड में uh, Mrs. हिगन्स बताती हैं एलिजा विल बी स्ट्रेंडेड बिटवीन टू वर्ल्ड्स she शी हैज़ manners मैनर्स एंड हैबिट्स दैट डिसक्वालीफाई अ फाइन लेडी फ्रॉम अर्निंग own लिविंग विदाउट गिविंग her अ फाइन लेडीज़ इनकम अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एलिजा है वो बंद तो जाएगी जो एक लैंग्वेज सीखने के बाद उसके पास मैनर्स भी आ जाएंगे हैबिट्स भी आ जाएंगी लेकिन अगर एक फाइन लेडी की इनकम उसके पास नहीं आई तो वो कैसे उस चीज़ को मेंटेन करके रख पाएगी तो ये एक प्रॉब्लम थी उसको अच्छा सिखाने के पीछे जो लैंग्वेज थी जो हिगिनस उसे सिखाना चाहता था सो एम्फोसाइजेज द रिजिट हियर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी थ्रू अब वेरायटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक लेवल यहाँ पर दो चीजें हैं एक तो जो रिजिट हेरार की है वो हमें देखने को मिलती है इंग्लिश सोसाइटी की जो जो थ्रू अब वेरायटी ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेगी सोशियो इकोनॉमिक्स लेवल भी देखने को मिलते हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज भी सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स को यहाँ पर मैनेज करती है एलिजाविधा कॉकनी डायलैक्ट इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट सोशल रैंक और जो एलिजा है वो कॉकनी डायलेक्ट बोलती है और उसे असोसिएट किया हुआ है लोवेस्ट सोशल रैंक से इन कॉन्ट्रास्ट हिगेंस एंड पिकरिंग रिप्रेजेंट द एलिट और जो यहाँ पर हिगेंस और पिकरिंग है क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो उसी लैंग्वेज की वजह से उन्हें एलिट पोजीशन में रखा गया है द टू लेवल्स आर मिसेस पियर्स मेंबर ऑफ सर्वेंट क्लास जो मिसेस पियर्स है

सो so, हमें सारे यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक लेवल देखने को मिलते हैं द पावर ऑफ लैंग्वेज टू ब्रेक थ्रू सोशल बैरियर इज फुली रियलाइज्ड इन एलिजास ट्राम परफॉर्मेंस एट द एम्बेस्टर्स पार्टी शी इज परसिव्ड टू बी अ डचेस अब जो एलिजाबेथ है उसका जो ट्राम परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है एम्बेस्टर्स पार्टी शी इज परसिव्ड टू बी अ डचेस अब वो वहाँ पर एक एज अ डचेस वो बिहेव कर लेती है और वो पूरे सोशल बैरियर्स को तोड़ भी लेती है येट विक्ट्री हैज इट्स प्राइस लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि जो उसने विक्ट्री ली है उसका एक प्राइस था वो प्राइस क्या था कि वो बिहेवियर uh, में और लैंग्वेज में तो एज अ डचेस हो चुकी थी बट वो इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई थी उसे वर्क भी उसी लेवल का अब चाहिए था इन एक्ट फाइव शी टेल्स दैट शी इज लाइक अ चाइल्ड हुआ कम टू अन कंट्री हु पिक्स अप दैंग्वेज इन अ फ्यूक्स एंड गेट्स इट्स ओन अब एक्ट फाइव में वो बताती है Higgins को कि वो एक बच्चे की तरह है जो कि एक फॉरन कंट्री में ला ला दी गई है और वो एक नई लैंग्वेज को ले लेती है और खुद की एक लैंग्वेज को वो भूल जाती है शी कैन स्पीक नथिंग बट इज लैंग्वेज नाउ विच कट्स हर ऑफ फ्रॉम ह फॉर्मल लाइफ अब यहाँ पे एक क्लियर कट लाइन है कि जो उसकी लैंग्वेज है अब उसने नई लैंग्वेज सीख ली है और उसकी जो फॉरन फॉर्मल लाइफ है उससे उसे छुटकारा मिल चुका है फीलिंग एबेंडेंट बाई हिगन्स एंड फेस्ड विद एन अनसर्टेन फ्यूचर अब क्या हुआ है कि हिगन्स और पिकरिंग जो थे दोनों के दोनों ने जो प्रोजेक्ट था उसे बंद कर दिया था अचानक से तो अब इससे प्रॉब्लम किसको हो रही है जो एलिजा है अब उसे क्या करना है कि अनसर्टेन एक फ्यूचर को उसे फेस करना पड़ेगा शी सेज ओ इफ आई ओनली कुड गो बैक टू माई फ्लावर बास्केट अब वो इस चीज़ से परेशान होकर ये भी कहती है कि काश कि मैं पीछे अपने फ्लावर बास्केट तक जा पाती और जो कॉकनी जो उसकी लैंग्वेज थी उसे फिर से बोल पाती तो लैंग्वेज ने उसे एज अ डचेस तो उन्होंने स ने उसे ट्रेन किया था बट उसका फिर इकोनॉमिक जो लेवल था वो बहुत नीचे था आई शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ यू एंड फादर एंड ऑल वर्ल्ड दीज वर द दिलाय बाय एलिजा बट लैंग्वेज हैज हैजोर्सबली प्लेस्ड हर इन सोसाइटीज होसाइटी एंड शी मस्ट एंड विल फाइंड अ न्यू वे टू स्ट्राइक आउट ऑफ हर ओन अब यहाँ से जो लैंग्वेज थी उसने उसे एक नए प्लेस पर हायर प्लेस पे रख लिया था ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो शो एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय शोइंग हाउ अ पुअर फ्लावर गर्ल बिकम्स अ लवली सेल्फ रिलायंट लेडी बोथ सुपरफिशियली एंड एट हार्ट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है कि एक जो पुअर फ्लावर गर्ल थी उसे किस तरह से एक लवली सेल्फ रिलायंट लेडी में बदल दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज हर मेटामॉर्फोसिस बिगिनस विद एन आइडिया प्लांटेड बाय बायस वेन ही टेल्स पिकरिंग इन एक्ट फर्स्ट दैट ही टीच दिस क्रीचर टू स्पीक लाइक अ डचेस यहाँ से उसका मेटामॉर्फिस शुरू होता है मेटामॉर्फिस का मतलब ये है कि उसका चेंज होना उसका बदल जाना यहाँ से कहाँ से शुरू होता है जब हैगन्स कहता है पिकरिंग से कि एक्ट फर्स्ट में कि मैं इस क्रीचर को स्पीक लाइक अ डचिस बना दूँगा मीन्स वो डचिस की तरह स्पीक करना शुरू करेगी इट टेक्स अ फर्दर स्टेप व्हेन शी इज गिवन अ बास एंड एक्ट सेकेंड क्लीनिंग अप सो वेल दैट इवन हर फादर डज नॉट रिकोगनाइज तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर शुरू होती है वो होती है आपकी एक्ट सेकेंड में जहाँ पे कि उसको नहलाया जाता है और इवन उसके फादर उसको नहीं पहचान पाते बाय द टाइम शी विजिट्स हिगेंस मदर इन एक्ट थर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन इज वेल ऑन इट्स वे जब वो हिगन्स की मदर के पास जाती है वहां पर वह बहुत अच्छा नहीं कर पाती बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है एज मिसेस हिगन्स टेल्स सन शी इज अ ट्रायम्फ ऑफ योर आर्ट एंड ऑफ अ ड्रेस मेकर्स तो जो हिगन्स मिसेस हिगन्स होती है वो ये भी कहती है कि ये क्या है आपकी आर्ट की जीत है किसके लिए हिगन्स के लिए निवरलेस शी चेंजेस सो फार आर ओनली एक्सटर्नल अब ये जो चीज़ें थे अभी तक वो क्या थी सिर्फ एक्सटर्नल बदलाव ही उसमें देखने को मिल रहे थे लाइक विजिबल स्पीच द नोटेशन सिस्टम हिगेन्जुअलाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच दे आर मेयरली दाइट एंड साउंड ऑफ एलिजा तो जब वो स्पीच देती है तो वहाँ पर सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं हिगन्स खुद भी जो एलिजा को देखता है तो एलिजा को वो किस तरह से देखता है एलिजा को वो एक प्यूपिल की तरह देखता है जो कि एक ब्लॉक ऑफ वुड है जो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसे अभी भी शेप्ड किया जाना चाहिए और ये अभी भी एक एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है जब वो मिसेस हिगन्स के पास जाती है ही वर्क्स टू क्रिएट एलिजा लाइक द ग्रीक स्कल्पचर पिगमेलियन क्रिएट क्रिएटेड हिज Sculpture. तो जो वो एलिजा को किस तरह से बनाता है, वो बनाता है जैसा कि पिगमेलियन जो ग्रीक पिगमेलियन था यहीं से उसका नाम पिगमेलियन लिया गया है उसे बहुत बार क्रीचर वर्ड यूज करता है उसके लिए तो ये हमें याद रखना है कि ऑप्शन uh, में दे सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं कि जो हिगिंस है वो एलिजा को क्या कहकर बुलाता था तो आपको याद रखना है कि वो उसे क्रिएच कहकर बुलाता था एन इल्यूजन टू मैरी शैल इज एटीन एटी फ्रेंकस्टाइन एंड द क्रीचर क्रिएटेड बाय डॉक्टर फ्रेंकस्टाइन तो वहाँ पर भी क्या होता है फ्रेंकस्टाइन जो है वो उसको भी अच बोला जाता है

हम बोलें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो साथ साथ वो भी चल रहा होता है इस बात पर हिगेंस ध्यान नहीं देता फ्रॉम द बिगनिंग द क्वालिटीज रिक्वायर्ड लाई विद इन हर लाइक अनकल्टिवेटेड सीड फॉर एग्जाम्पल इन एक्ट फर्स्ट वाइल शी अपियर्स रफ इल मैनर्ड एंड सॉसी शी डिस्प्लेज अ क्रूड सेंस ऑफ डिग्निटी वैन शी थिंक्स हिगे इज अ पुलिस मैन Uh, for for तो यहाँ पर, पर उसे एक आ, देखने को क्या मिलता है जो हिगेंस होता है कि वो थी तो जो एलिजा थी वो थी रफ थी एल मैनर्ड थी सौसी थी लेकिन यहाँ पर उसे हिगिन्स को देखने को मिलता है कि जब पुलिसमैन आता है वहां पे तो वो डर जाती है कि कहीं पुलिसमैन उसे सॉलिसिटिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन के लिए ना पकड़ ले या उसे ऐसा ना समझ ले तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट uh, है कि उसके अंदर जो डिग्निटी थी वो एक सीड की तरह थी डिफेंसिवली शी असर्स ही हैज नो राइट टू टेक अवे माई कैरेक्टर तो वो वहाँ पर स्ट्रोंगली uh, वहाँ पर बताती है कि ही हैज़ नो राइट टू टेक अवे माई कैरेक्टर कैरेक्टर के बारे में बात करती है तो आप देख सकते हो जो डिग्निटी है वो चाहे रफ थी या लो क्लास में थी फ्लावर uh, गर्ल थी फिर भी उसके अंदर कैरेक्टर की बात थी डिग्निटी उसके अंदर एक सीड की तरह थी माई कैरेक्टर इज द सेम टू मी एज एनी लेडीज तो वो ये भी कहती है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो किसी लेडी किसी भी और लेडी की तरह है अ क्वालिटी ऑफ करेज कम्स टू लाइट वेन एलिजा सिक्स आउट हिगन्स एंड लेज बिफोर हिम हा फ्रेजाइल ड्रीम टू बिकम अ लेडी और और ये भी देखे देखने को मिलता है कि शी वॉज अ करेजियस गर्ल और वो एक करेजियस गर्ल थी और अच्छे तरीके से वो बात कर सकती थी हिगन्स से और अपने जो ड्रीम्स थे उन्हें उसके सामने बता सकती थी शी देन परस्यूज दैट गोल विद डेलिजेंस और काफ़ी मेहनत से वो अपने गोल्स को भी परस्यू करती है हाव इट इज़ आफ्टर द एम्बेस्टर्स पार्टी दैट एलिज़ा बिकम्स अ लेडी इन मोर देन स्पीच एंड मैनर और जो फाइनली जो एम्बेस्टर की पार्टी थी वहाँ पर एलिजा क्या होती है एक लेडी बनती है मीन्स परफेक्टली खुद को ये प्रूफ कर पाती है कि वो मोर देन स्पीच एंड मैनर्स है मीन्स वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाने को उसको एक ऑप्शन मिल जाता है In response to Higgins' insensitive treatment, she takes a stand for her own self-worth and dignity and then leaves him. to तो जो ka का इन एक ट्रीटमेंट था उसके उसके प्रति जिसमें कि वो उसको एक लेडी या एक गर्ल की जगह वो उसे सिर्फ त्रीच वर्ड यूज करता था शी टेक्स आई स्टैंड फॉर हर ओन सेल्फ़ वर्थ एंड डिग्निटी एंड दैन लिव्स हिम और वो क्या करती है अपने सेल्फ वर्थ और डिग्निटी को ऊपर रखती है और फाइनली वहाँ से चली जाती है शी अंडरस्टेक्स दैट दिस आस्पेक्ट ऑफ हर मेटामॉर्फिस वॉज स्पार्क्ड बाय पिकरिंग और जो ये ये एक आस्पेक्ट था वो मेटामॉर्फिस का या चेंज का वो किसने किया था वो किया था पिकरिंग ने क्योंकि वह उसे क्या कहता था अ लेडी वर्ड यूज करता था जबकि हिगन्स उसके लिए क्या वर्ड यूज करता था हिगन्स वर्ड यूज़ करता था क्रिएचर अगेंस्ट क्रिएटर वर्ड यूज करता था जबकि पिकरिंग उसके लिए अ लेडी वर्ड यूज करता था तो ये जो डिग्निटी वाली बात थी वो पिकरिंग ने उसके अंदर डाली थी इन एक्ट फाइव शी आस्क दर्नल बट डू यू नो वट बिगेन माई रियल एजुकेशन वो एक्ट फाइव में कर्नल को पूछती है बट डू यू नो वट बिगेन माई रियल एजुकेशन योर योर कॉलिंग मी मिस डू लिटल दैट डे वेन आई फर्स्ट केम टू विम्सटन विम्पल स्ट्रीट ये सारी उसके बीच में बातें चलती हैं और वो अच्छे तरीके से खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आ, उन चीज़ों के बारे में बात कर पाती है दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर मे शी फर्दर एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन अ लेडी एंड अ फ्लावर गर्ल इज़ नॉट हाउ शी बिहेव बट हाओ शी इज ट्रीटेड तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद की डिग्निटी का जो ख्याल है उसे रख सकती है और खुद को एज अ लेडी वो यहाँ पर प्रूफ कर पा रही है क्योंकि उसकी सिर्फ बातों में ही नहीं उसके अंदर एक डिग्निटी वाली बात आ चुकी है ऑल थ्री फेसिट्स ऑफ एलिजास ट्रांसफॉर्मेशन जो थ्री फेसिट्स थी साइट साउंड एंड सोल जो तीन जो एलिजा Eliza, एलिजास के एलिजास ट्रांसफॉर्मेशन की जो फेसेट थे वो कौन कौन से थे वो थे साइट मीन्स वो जैसे दिखती थी साउंड जैसा वो बोलती थी और सोल जैसा वो फील करती थी या जैसे उसकी आत्मा अंदर से थी कम टुगेदर व्हेन एट लास्ट शी ब्रेक्स फ्री ऑफ हर क्रिएटर उसका जो क्रिएटर है यहाँ पर वो है हेगेंस और वो उससे अलग हो जाती है लाइक पिगमेलियंस एवरी स्कल्पर जो पिगमेलियन का जो आइवरी स्कल्पचर थी शी इज ब्रॉड टू पैशनेट लाइफ और उसे पैशनेट लाइफ में ले, ला जाता है। no duchess, और वो क्या बन जाती है एक इंडिपेंडेंट वूमेन बन जाती है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट शॉ इज पॉइंटेडली कॉन्ट्रास्टिंग एलिजा टू पिगमेलियन आइडियलाइज स्टैचू जो ये यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है कि बार बार जो सौ है वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है एलिजा टू पिगमेलियंस आइडियलाइज स्टैचू जो आइडलाइज्ड स्टैचू है उससे टोटली totally डिफरेंट वो एलिजा को दिखाना चाहता है क्योंकि एलिजा और स्टैचू में क्या डिफरेंस था उनमें सोल का डिफरेंस था इन ओविट्स वर्जन ऑफ द स्टोरी पिगमेलियन एंड गैलेटिया द स्टैचू नाउ ब्रॉट टू लाइफ मैरी एंड लिव हैप्पीली हैप्पी आफ्टर अब जो गैलिटिया और पिग्मियन है उन्होंने शादी कर ली होती है जो ओविड का जो वर्जन था उसमें लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या देखने को मिलता है बट गैलिटिया इज नथिंग मोर देन अ ब्लशिंग ब्राइड एंड विद लिटिल एजेंसी शो रिजेक्ट्स दी वर्जन ऑफ टू शो दुलिशनेस ऑफ अ मैन हु वुड फैशन अ ह्यूमन बींग इन दिस सिंपलेस्ट वे तो यहाँ पर जो शव है वो दिखाना चाहता है कि इतना ओनली um, जो बाहर से एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है बल्कि जो अंदर इंपॉर्टेंस होती है जो सोल का ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंस है ये बनार शव बताना चाह रहे हैं फेमिनिटी की बात करें तो विक्टोरियन वैल्यूज स्ट्रिक्टली डिफाइन द स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ वुमेन एंड एस्टेब्लिश फॉर्म बाउंड्रीज फॉर फेम्यूनिटी अमंग दी सोशल क्लासेस यहाँ पे हम विक्टोरियन अगर बात करें कि विक्टोरियन जो फेम्यूनिटी हमें देखने को मिलती है तो वो सोशल क्लासेस में फॉर्मली स्टैंड करती है इन पिगमेलियन सॉ इलिस्ट्रेट दीज क्लास बाउंड्रीज एंड रोल्स थ्रू वेरियस कैरेक्टर्स और जो सॉ है वो पूरी क्लास बाउंड्रीज को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो वेरियस कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू वो क्लास बाउंड्रीज को बहुत क्लियरली शो कर पाते हैं एट द बॉटम टीयर ऑफ दी इज द फ्लावर गर्ल एलिजा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एलिजा है वो बिल्कुल बॉटम पार्ट में है मेम्बर ऑफ वर्किंग क्लास पुअर मिसेस पियर्स हिगन्स हाउस कीपर रिप्रेजेंट दी सर्वेंट क्लास जो मिसेस पियर्स है वो हिगन्स के घर में हाउस कीपिंग का, का काम करती है और वो सर्वेंट क्लास को रिप्रेजेंट करती है डू लिटिल्स वाइफ टू बी जो डू लिटिल की वाइफ टू बी है वंस द डस्टमैन कम्स इन टू मनी रिप्रेजेंट द मिडिल क्लास दैट हैज अचीव्ड अ हाइर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू वर्क अब ये जो डू लिटिल की वाइफ टू बी है ये उस क्लास को दिखाता है जो कि अपने हार्ड वर्क के थ्रू जिसने एक हाइय स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है मिसिज एंड मिसिज एंसफोल्ड हिल्स मेम्बर ऑफ द जेंटल पुअर डू नॉट वर्क जो मिसिज एंड मिसिज एनस्पोल्ड हिल्स हैं ये काम नहीं करते और ये पुअर हैं पुअर कैटेगरी में ऑक्यूपाइंग द टॉप टीयर एज मिसेज हिगन्स एंड अपर क्लास लेडी ऑफ सम वेल्थ हु हैज रेस्ड अ फैमिली एंड कीप्स अ होम यहाँ पर जो मिसज हिगन्स हैं वो अपर क्लास लेडी हैं और उनके पास काफ़ी वेल्थ है उनके पास फैमिली है और खुद एक उनका पास घर है कहने का मतलब यह है कि जो अपर क्लास सोसाइटी है उसको अच्छे तरीके से यहां पर शो किया गया है शो एम्स टू शो इन पिग्मेलियन दैट सच बाउंड्रीज विद दे आर रोल्स एंड डेफिनेशन ऑफ फेमिनिटी आर आर्टिफिशियल एंड कैन बी ब्रीस्ट तो जो शो है वो अपने पिगमेलियन वर्क में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक बाउंड्रीज जो बनी हुई हैं उन्हें ब्रीच किया जा सकता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है और उनके आर पार जाया जा सकता है जैसे कि एलिजा के केस में हम देखते हैं विक्टोरियन सोसाइटी इन विजिंड आइडियल वुमेन एज इनहैबिटिंग अ सेपरेट स्पेयर फ्रॉम अ मैन द होम एन ओयसिस टू विच द मैन स्केप्ड फ्रॉम द मॉरल ट्रेंड ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड विक्टोरियन सोसाइटी जो कि शो करती है जैसा हम विक्टोरियन सोसाइटी से पहले अगर आ, देखें तो वुमेन का जो रोल था वो था आपका एक मैन के साथ में उसका एक अपना एक सेपरेट स्पेयर नहीं बट विक्टोरियन जो सोसाइटी है उसमें एक आइडियल वुमेन है जो कि जिसका एक सेपरेट स्पेयर है द होम एंड ओइसिस टू विच द मैन स्केप फ्रॉम द मॉरल टेंट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड एज अ मदर एज अज अ वाइफ एंड मदर ऑफ हिस चिल्ड्रेन शी वॉज काम चेयरफुल एफिशेंट एंड मॉरली सुफियर द एंजल ऑफ द हाउस टाइटल उसे दिया है एंड सर्टनली डिन नॉट एस्पायर टू लाइफ आउटसाइड द होम मैरिज एंड मदरहुड वर हर मीन्स ऑफ सिक्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जो मदरहुड और मैरिज थी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उस टाइम जरूरत उनकी थी सौ इनविजेंस अ न्यू आइडल इन पिगमेलियन जो पिग्मेलियन है उसमें सौ एक नया आइडल दिखाने की कोशिश करता है अ फ्री स्पिरिटेड एजुकेटेड सेल्फ रिलायंट एंड करियर माइंडेड वुमेन तो यहाँ पर जो एलिजा है वो इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है अ फ्री स्पिरिटेड एजुकेटेड सेल्फ रिलायंट एंड करियर माइंडेड वुमेन हेगेंस मदर अगर आप विक्टोरियन पीरियड के पहले का एक टाइम पीरियड को अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर वुमेंस के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी बट विक्टोरियन पीरियड के बाद में ये सारे बदलाव देखने को हमें मिलते हैं और जो सोसाइटी में बदलाव होते हैं वही बदलाव हमें वर्क्स के थ्रू जो राइटर है वो शो करने की कोशिश करते हैं हिगन्स मदर प्रोवाइड्स द मॉडल अपॉन विच द फाइनल क्रिएशन एलिजा इज़ बेस्ड मिसिज हिगन्स इज़ इंटेलिजेंट कल्चर्ड एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट जो मिसिज हिगन्स हैं जो फाइनल क्रिएशन एलिजाबैथ का होता है वो मिसिज हिगन्स ही उसे बनना होता है और वो बनने की कोशिश करती है हिगन्स हिमसेल्फ सेज माई आइडिया ऑफ अ लवेबल वुमेन इज समथिंग एज लाइक यू एज पॉसिबल शी सिंपथसाइज विद एलिजा As the subject of her own son's experiment and eventually becomes becomes her champion. और जो Higgins की मदा है वो Eliza से भी रखती है और उसे एज अ लास्ट में जैसा हमने summary में भी देखा था कि Higgins की मदा उसे कहती है कि उसके emotions का भी आपको ख्याल रखना चाहिए हाउ व इट इज टू लेट फॉर हर टू मोर फुली ब्रेक दिस सोशल मोल और काफी लेकिन जो उसकी एज होती है उस एज में वो पूरी तरीके से सोशल मॉडल को चेंज नहीं कर पाती है शी रनस हर हाउस होल्ड एज एक्सपेक्टेड एंड अप द कस्टम्स ऑफ द डे द नेक्स्ट स्टेप मस्ट बी टेकन बाय यंगर वुमेन अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो यंगर वुमेन द्वारा लिए जाएंगे इन एलिजा शॉ क्रिएट्स अ फ्रेश आइडल जो एलिजा है उसके थ्रू जो शॉ है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एलिजा की आ, का जो कैरेक्टर है उसके द्वारा अ वुमेन विद ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ हिगन्स मदर जो एलिजा जो एक आइडियल एक वुमन का जो एट्रीब्यूट है वो हिगन्स के मदर के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं बट विद द टाइम स्प्रिट एंड एम्बिशन टू गो हर ओन वे और वो क्या होगा कि जो टाइम होगा स्प्रिट होगा और एम्बिशन होगी उनके अकॉर्डिंग बाद में जो लेडी होगी वो उस हिसाब से काम करेगी लाइक द मिस आर्टिस्ट पिग्मेलियन हु स्कर्ब्स द आइडियल वुमेन यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है जो पिग्मेलियन है वो एक आइडियल वुमेन को बनाता है हिगिन्स एंड पिकरिंग फैशन एलिजा इनटू परफेक्ट लेडी और जो हिगन्स और पिकरिंग हैं दोनों के दोनों एलिजा को एक परफेक्ट लेडी में कन्वर्ट करते हैं रिफाइंड सेल्फ रिलायंट एंड ऑल द पोटेंशियल दिस और उसे रिफाइंड एक एक पूरा लुक देते हैं सेल्फ रिलायंट उसे बनाते हैं सो नेवरलेस क्वेश्चन रिमेन्स कैन शी ब्रेक थ्रू द रेनिंग विक्टोरियन डेफिनेशन ऑफ फेमिनिटी सेट फॉर मिडिल एंड अपर क्लास वुमेन तो क्या अभी भी वो इन चीज़ों को इन जो एक डेफिनेशन ऑफ फेमिनिटी है जो क्लास एक बाउंड्री है क्या उसको तोड़ पाएगी और हैज शी एक्सचेंज वन सेट ऑफ लिमिटेशन अ वर्किंग क्लास फ्लावर गर्ल ऑफ और अनदर शी मस्ट हैव मींस ऑफ फाइनेंशियल सर्वाइवल अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम uh, है वो है कि उसे फाइनेंशियल जो सर्वाइवल है वो कैसे करना है इट सीम्स दैट सोसाइटी हैज़ लेफ्ट थ्री ऑप्शन टू मैरी हेगेंस पिकरिंग और फ्रेडी अब जो वहाँ पर सोसाइटी uh, के जो ऑप्शन थे वो थे कि या तो हेगेंस से या पिकरिंग से या फ्रेडी से उसे मैरिज करनी पड़ेगी सोशल uh, एक सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए येट इन एक्ट फाइव जो एक्ट फाइव में क्या होता है एलिजा हर सेल्फ कंसीव ऑफ अ फोर्थ शी इंडीज मैरी फ्रेडी बट नाउ अ करियर चॉइस दिलिटी टू टीच वर्ज लर्न इट अब वो फ्रेडी को जो एक ऑप्शन है ऑप्शन वो खुद के लिए एक बनाती है कि जो उसने सीखा होता है उसको वो क्या वो किसी को पढ़ा सकती है मीन्स वो खुद के लिए एक करियर चॉइस सोचने की कैपेबिलिटी भी शो करती है बाय एक्सरसाइजिंग दॉइस शी कैन ब्रीच इस्टेब्लिश बाउंड्रीज एंड डिफाइन फॉर हर सेल्फ अ न्यू फेमिनिटी यहाँ से उसको खुद के लिए एक नई जो फेमिनिटी है वो खुद को डिफाइन कर पाती है खुद का एक डिसीजन ले पाती है जो कि इससे पहले जो लेडीज थे या हम कहें वमेन थी वो इस चीज के लिए उनको फ्रीडम नहीं थी या उन्होंने इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया था तो जो हमें मिला वो ये था कि इस स्टोरी का अगर हम आइडियल एक बात करें एंड लाइन की तो उसमें ये था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था रियल ट्रांसफॉर्मेशन था वो था आपका सोल का उसका ट्रांसफॉर्मेशन एलिजा का सो होपफुली यू अंडरस्टूड द होल स्टोरी थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट लेसन